kind of a thing. You know, but after you have made, yeah, you can really relate to the sounds that you hear inside. So, Pashchim Bangal, the Tamang Sivan, कैसा चल रहा है, मैंने परेशान कर दिया। देखो क्या है कि मैं टाटा अस्पताल जो कि एक सरकारी अस्पताल है उसमें काम करता हूँ और हमारे बहुत सारे मरीज वेस्ट बंगाल से आते हैं और वो बहुत कम उम्र के होते हैं और वो बहुत ही कई बार गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो कैंसर तो होता ही है, उसके अलावा पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वेस्ट बंगाल में लोगों को, नॉट ओनली पब्लिक को बट पॉलिसी मेकर्स को भी अवेयर होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनका दायित्व होता है और बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन तंबाकू नियंत्रण में चूंकि ये टोबैको लॉबी के खिलाफ है, आप सैनिटेशन के बारे में कोई आपको अपोज नहीं करता है, आप मलेरिया के बारे में काम करें कोई अपोज नहीं करता है, जब भी आप तंबाकू पर काम करते हैं आपको अपोज करने वालों की बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, यानी तंबाकू नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और वही पॉलिटिकल विल को क्रिएट करने के लिए आज ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया गया। थैंक्स टू योर ऑनरेबल स्पीकर एंड थैंक यू ममता दी दैट शी अलाउड अस टू डू इट। सो ज़रूरत ये बात है कि जब तक MLAs इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 3,500 करोड़ रुपये का हर साल नुकसान हो रहा है, उसके अलावा 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं, उसके अलावा 2.5 करोड़ लोग जो ये तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और तंबाकू हर तीसरे तंबाकू खाने वाले को असामयिक मृत्यु देता है, तो ये एक बहुत बड़ी फिनेंशियल ट्रेजेडी हो रही है, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है। और अगर किसी कानून का पालन नहीं है, देखो मैं तंबाकू प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तंबाकू को कम करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का पालन किया जाए जिससे कि लोगों में डिमांड रिडक्शन हो, और इस डिमांड रिडक्शन के लिए भी अगर पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है तो इसीलिए हम आज यहाँ पर जो अपने स्टैटिस्टिक्स दिया 3,000 लोग मर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, ये वेस्ट बंगाल की जो डेटा है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे और इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, जो 3,500 करोड़ रुपये का सालाना लॉस है, ये इकोनॉमिक लॉस जो हम बोल रहे हैं, ये किसी भी ढंग से अगर आप कैलकुलेट करो कि वेस्ट बंगाल को कितना तंबाकू से अर्न होता है, उससे बहुत ज़्यादा है, और जो लोग मर रहे हैं वो तो उनकी कोई कीमत ही नहीं है।